बैंड पाइप निकल और ये हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल VR06 राइडर में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज करवाने, मतलब पुराना वाला एग्जॉस्ट लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसका नया एग्जॉस्ट हमने लगवाया था R1M का, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है और गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया था, तो गाड़ी कंपनी वाले ये कहने लगे कि इसका एग्जॉस्ट चेंज करा लो, उसके बाद हम सर्विस करेंगे। मैं ऐसे सर्विस करते नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कुछ भी कहा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला आप चेंज करा लो, फिर उसके बाद हम पता करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब मैं इसको गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज कराने जा रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है और उसके बाद अब मैं निकल चुका हूँ, अपनी गाड़ी के पास मैं आ गया हूँ। ये रहा मेरा डेविल और ये हमारा R1M का एग्जॉस्ट था, वो जो कि मैं चेंज कराने जा रहा हूँ। पुराना वाला एग्जॉस्ट ही लगवाएंगे और देखते हैं। अभी मैं शॉप पे पहुँच के बताता हूँ आपको क्या है डिटेल्स आएंगे। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं भैया की दुकान पे। मेरे को बहुत देर लग गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो आते आते मेरे को शाम हो गई है, तो मैं भैया की शॉप पे आ चुका हूँ और ये भैया ने हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब एग्जॉस्ट निकाल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट जो हमने नया वाला R1M का लगवाया था, ये निकाल चुके हैं। और ये हमारी गाड़ी है, देखो, ये भैया ने हमारी गाड़ी खोल दिया पूरी की पूरी। जो अभी हमारे ये बैंड पाइप है, ये बैंड पाइप निकलेगा, उसके बाद हमारा जो पुराना वाला एग्जॉस्ट था, ये रहा, ये वाला लगेगा कंपनी का। फिर उसके बाद में हम इसका फिर से साउंड सुनेंगे, पुराना वाला कैसा था। चलो गाइस, मैं अभी बाद में दिखाऊंगा इसका साउंड कैसा है, और इसको थोड़ा चमकवा के इसके शकल वकल धुलवाऊंगा मैं, कैसी लगेगी फिर बताता हूँ मैं आपको। देखो गाड़ी का साउंड सुनो एक बारी, किस तरीके लग रही है। एकदम साउंड सुनो गाइस, इतना टट्टी सा साउंड लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप भी एग्जॉस्ट ना लगवाएं, गाड़ी की माँ बहन हो जाती है, साथ ही साथ आपका चालान फटेगा, मोटा फर्रा कटेगा आपका, और गाड़ी की भी माँ बहन हो जाएगी। और प्लस में कंपनी वाले भी आपकी सर्विस करके नहीं देंगे, कहेंगे पहले जाओ इसका एग्जॉस्ट चेंज करा के उसके बाद सर्विस करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप ना ही लगवाएं तो अच्छा है, खासकर BS6 मॉडल वाले तो बिल्कुल ना लगवाएं, चाहे कोई सी भी हो, यामा की हो या R15 हो या MT हो या बजाज की हो, कोई सी भी BS6 हो, उसमें तो ना लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट लग रहा है, पुराना वाला भैया ने अंदर डाल दिया है, बाकी नट बोल्ट से भी लगने वाला है। फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा किस तरीके का लगा है, और साउंड भी सुनाएंगे हम आपको किस तरह का साउंड हो गया फिर से इसका पुराना वाला। और जो इसका खाली जगह थी, जो उसका पेट से जगह थी, हम वापस इसको पेट से कर देंगे। तो अभी देखना जब ये लग जाएगी। गाइस, हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट लग चुका है, जो कि मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, पुराना वाला साउंड सुनो। चला सकते हो ना भाई? तो हमारी गाड़ी का साउंड है, देख लो भाई कितना बेकार लग रहा है, पर देखने में भी बढ़िया है। जब हम तेज भगाएंगे तब इसमें साउंड भी मस्त आता है, ऐसी कुछ कहने की बात नहीं है, पर पुराना पुराना ही होता है, नया नया होता है, जैन मैन ही है भाई, कुछ भी है पर मस्त है। चलो ठीक है गाइस, गाइस मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट लग चुका है। तो एग्जॉस्ट लगने के बाद मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है, वो मैं आपको सुबह दिखा दूंगा कैसा है। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर बजाना, ठीक है गाइस।